सोलन की आईटीआई में हिमाचल प्रदेश की पहली कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हुनर के सरताज की खोज प्रतियोगिता में प्रदेश भर में पहुंची युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में विधानसभा अध्यक्ष राजीव विंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से जहां एक और हुनर के सरताज की खोज की जा रही है, वहीं प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन के लिए विजेताओं को 50,000 नकद इनाम भी रखा गया है। साथ ही जो इस प्रतियोगिता में बिजी रहेंगे उन्हें जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी मिलेगा और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को रशिया में अपने हुनर का लोहा मनवाने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल के प्रतिभाशाली युवाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका पहली बार मिल रहा है, जिसमें वो भाग लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वो अपने जिले व प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं का हुनर निखारना और उन्हें स्वावलंबी बनाना हुनर के सरताज की खोज प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और स्किल इंडिया के सांझे प्रयास से युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री द्वारा बेरोजगार युवाओं को अपने हुनर दिखाने के लिए अनूठा मंच दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वह देश और विदेश में अपने हुनर का सिक्का जमा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और स्किल इंडिया, इनके ज्वाइंट प्रयास से दो विषयों के अंदर हुनर की तलाश के संबंध में एक हेयर ड्रेसिंग और एक ब्यूटी, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश का फाइनल कंटेस्ट आज सोलन आईटीआई के अंदर श्री गणेश अभी हुआ है। ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हमारे युवकों को, हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को और कौशल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए पूरी जोरों से लगे हुए हैं। इस कड़ी के अंदर हिमाचल की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 640 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 51 आईटीआईज को अपग्रेड करने का फैसला सरकार ने लिया है।